लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लड़की की तरफ आंख उठा के देखा तो आंख फोड़ दूंगा। क्यों? ये तेरी बहन लगती है क्या? बहन लगती होगी साले तेरी। अरे तेरी बहन लगती है। बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? पूछो। जब कोई ज्यादा बोलता है तो तुम्हें बुरा क्यों लगता है? 24 घंटे मशीनों का शोर, गाड़ियों का शोर, आदमियों का शोर, कुत्तों का शोर, बाजे गाजे का शोर, कोई मर जाए तो शोर, कोई पैदा हो तो शोर, जमीन से आ आसमान तक शोर ही शोर है। करतार सिंह जॉर्ज, इस शंकर को दुनिया की हर बोलती हुई चीज से नफरत है, चिढ़ है, ऐसा क्यों? तुम्हें नहीं मालूम? हाँ हाँ, तुम नया आदमी हो ना, मैं बताता हूँ। आज से कोई एक साल पहले की बात है कि शंकर का इकलौता बेटा रेलगाड़ी के नीचे आने लगा था और शंकर की बीवी ने उसको बचाने के लिए जोर से धक्का दिया तो वो जाके रेल की पटरी पर गिरा और उसके गले पे ऐसी बुरी तरह से चोट आई कि आज तक बोल नहीं सका। और इसकी बीवी? वो बेचारी अपने बेटे को बचाते बचाते खुद रेलगाड़ी के नीचे आ गई और मर गई।
शेरखान, माना कि शंकर तुम्हारा भाइयों से बढ़कर दोस्त है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उसके नौकर बन के रहो। जब देखो उसके गुंगे बेटे को स्कूल से लेके आओ, उसे रेलवे लाइन पार करवाओ। ओए दूरा, ओए दूरा। रमेश कुमार तो कमाल चीज है भाई, कमाल चीज है। और तेरा क्या ख्याल है यार, ये 7 दिन तक साइकिल चला सकेगा? चक्करबाजी है खान, जिसका मुकद्दर में जितना उतना तो चलेगा। आज मैं कौन हो गया? कौन तो कौन सही? आज है ना तू मेरी पत्नी और ना मैं तेरा पति। अरे गोल नहीं तो क्या? अधिकारियों की सेवा की शर्तों को अन्य अधिकारियों के बराबर करना है। समाचार समाप्त। शांता जी, शांता जी बोलो। हाउ स्वीट, आप मुझे देखने के लिए 3 बार बाहर आई, मैं छुप छुके देख रहा था। शांतिलाल जी। हाँ जी। अगर आज आप रेडियो लेकर आते तो आपका रेडियो लेकर मैं आपका सर फोड़ देती। अजी इसीलिए तो मैं रेडियो नहीं लाया, सिर्फ अपना सर लाया और मैं जूता लाई। अब पॉलिश कर दूं। अबे जाता कहाँ है, 2 पड़ गई ना तो सीधा दिल्ली भागेगा अपने बाप से मालिश करवाने, समझा? तू क्या समझता है मैं अपनी बेटी को तू जैसे फक्कड़ के जाल में फंसे दूंगी? कभी नहीं। जो गलती मैंने की है मैं अपनी बेटी को कभी नहीं करने दूंगी। इसका बाप भी तू जैसा करका था, पर तब वो लड़का था और मैं लड़की, बिल्कुल इसकी उम्र की। और वो मेरी उम्र का। अबे सुन तो सही, एक दिन मेरी माँ ने उसकी ऐसी पिटाई की कि 2 दिन बिस्तर से उठ नहीं सका। माता जी, आपकी माता जी भी आपकी तरह थी क्या? क्या लगता है गधे? मेरा मतलब है फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या होना था, हमारे माँ बाप को अकल आ गई और हम दोनों की शादी हो गई। आपको अकल कब आएगी? क्या कहा? मेरा मतलब मेरी पिटाई कब करेंगे? अबे तेरी। अबे बंदर, शांता के बाप ने 1000 जूते खाए थे और तू एक जूता नहीं खा सकता बुजदिल? लानत है तेरी शक्ल पे, शांता की शादी तुझसे कभी नहीं हो सकती, समझा उल्लू? हुजूर, मैंने जो 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 जूता खा लिया, मेरे बारे में कुछ सोचो। क्या कहा जी? आपको तकलीफ करती है, शांता को भेजिए ना। क्या शांता जी आपकी बहन लगती है क्या? आपकी लगती होगी। अरे मिस्टर मुरादाबादी। मिस्टर शांतिलाल। मिस्टर मुरादाबादी। मिस्टर शांतिलाल। अरे शांति माता जी हट, गधा कहीं का, दबा जा, दबा जा, चले जा, दबा। तू भी अंदर जा। ओ, एक मेरी चची जान उस पर 1000 मुसीबत है। चची जान, इस मौके पर एक शेर ले 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 लिख दिया। क्या? तुम गमे बेटी में दुबली ना हुई, मैं बेकारी में मोटा हो गया। तुम बाल्टी से हो गई ड्रम, क्या कहा? मैं गिलास से ले 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 लोटा हो गया। ला मेरा जूता। लीजिए जूता। गंजे। शंकरा, वो यार ये औरत साथ कभी जवाब नहीं, वो जवाब नहीं, वो इस वास्ते के शायद वो माँ होती ना माँ। थोड़ी देर पहले ये दोनों चिल्ला रहे थे, मन करता था इनकी जबान खींच लो। खान, जानते हो ये दुनिया इतना शोर क्यों मचाती है? वो किस वास्ते हुई? जो बहरा होता है ना, वो जोर से बोलता है, चिल्लाता है। दुनिया भी बहरी है खान। तो देखो शंकर, खान बोलेगा ना तो कफन पाड़ के बोलेगा, लेकिन सच बोलेगा। वो सच बोलेगा तो तुझे बुरा तो नहीं लगेगा? वो तेरा बादशाह ना बादशाह, वो तेरा पुत्र दीपक, वो गरीब मासूम जबान से बोल नहीं सकते। वो जबान से बोल नहीं सकते, इस वास्ते तुझे दुनिया का कोई भी आदमी पसंद नहीं जो बोलते। हाँ, जैसे मैं सुनना चाहता हूँ तो नहीं बोलता, और जिसे नहीं सुनना चाहता वो दुनिया चिल्लाती है, शोर मचाती है। नहीं चलती आजकल।
चलेगा दौड़ेगा। खान भ्राता आजकल तो संगीत का सच्चा नाश कर दिया है दुनिया ने, सरस्वती का सरासर अपमान है। नव जीवन मम्मी ये नव तो वैसे का वैसे ही रहता है, जीवन क्यों बुझ जाता है? जीवन है बुझ जाता है, फिर जग क्यों जाता है? जीवन है जग जाता है। मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आया। समझ में तो शायद उनके भी ना आया हो जिन्होंने ये बोर्ड लगाया है। लगता है जैसे आकाश से फरिश्तों ने जीवन की सच्चाई को इस बोर्ड के रूप में लटका दिया हो। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। एक बरस बीत गया, दीपक की आवाज वापस नहीं आई, लेकिन डॉक्टर कहता है वो बोलेगा, जरूर बोलेगा। हाँ अब फोटो स्कूल जा। क्यों दीपक साहब आज स्कूल जाने का मूड नहीं? क्यों भाई? ना मुझे नहीं पता। तुम पहले कब बोलते हो जो आप कुट्टी करने लगे? बेटे तू कब तक लिख लिख के समझाता रहेगा, कब बोलेगा? डैडी आज मेरा जन्मदिन। इधर आ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बेटे मैं हर पल सपनों में डूबा तेरी आवाज सुना करता हूं, हर जब कभी सपनों से फुर्सत मिलती है ना तो रुपए पैसे की चिंता में डूब जाता हूं। इलाज के लिए ढेरों रुपया चाहिए ना, ढेरों मिलेगा। दीपक लो, मीठा मीठा गुड़ खाकर एक मीठी, बाद में चिट्ठी पहले मीठी। डैडी जब माँ जिंदा थी तो मेरे जन्मदिन पे हम सब घूमने।
रोते नहीं पगलू, रोते नहीं। चल घूमने चले। जाना है, बीच का अंधेरा है और अंधेरे से मुझे बहुत डर लगता है। तो चलो मेरे साथ। आप क्या? आप शरीफ है ना? हाँ हाँ, आप शरीफ जरूर होंगे, आपकी उम्र तो मेरे बाप के बराबर है। अरे उम्र को गोली मारो, चलो मेरे साथ चलो। देखिए ना, इतनी बड़ी हो गई हूँ फिर भी अंधेरे से डरती हूँ। मुरे मुझे तो अंधेरा ही अच्छा लगता है। अच्छा? हाँ। बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ। तो निकालो माल। माल? अरे इतनी जल्दी क्या है, वो तो मिल ही जाएगा। अबे ओए चश्मेश, माल निकाल, 10-20 रुपए जो भी है, नहीं तो शोर मचाऊंगी। क्यों? तुमने मेरी इज्जत पे हाथ डाला। चलो माल निकालो। क्या वक्ती है? बचाओ! निकालो माल। हाँ? बचाओ! निकालो माल। अरे मेरी उम्र तो तेरे बाप के बराबर है। लेकिन मेरा बाप तो नहीं है ना। निकाल माल जल्दी से, नहीं तो शोर मचाऊंगी। बचाओ! ये ले मेरी माँ और छोड़ मेरा पीछा। क्या रात की रानी? बोल कब्रिस्तान के राजा, आज किसे लूटा? तेरे बाप को। ए बाप की बेटी, हरामजादे। हरामजादे? ए गाली देती है। तू कौन सा हनुमान चालीसा पढ़ रहा था? जा छोकरी समझ के छोड़ दिया। अरे जा जा, दूध के दांत वाले तेरे जैसे बहुत देखे। 18 साल से राज है मेरा इस इलाके पे। मेरी जान, इस दिल पे भी तो तेरा ही राज है। तो ला राखी बांधू। अरे जा, ये हाथ राखी के लिए नहीं, तुझे आगोश में लेने के लिए है। ए, थूकती है? चटनी पुदीने की बनती है, नहीं तो राम कसम धनिये तेरी चटनी बना के रख देती। तो खा लेना यूं ही गरम मसाला डाल के। गुरु, इससे अड्डे पे ले आ, ऐसा ही करना होगा।
ए चोर, ये किसके कपड़े पहना है तू? अपने डैडी के। डैडी? अभी तेरा डैडी तो मैं हूँ और ये कपड़े मेरे नहीं। मम्मी से पूछिए। समझ गया जीता, मैंने फैक्ट्री में ओवरटाइम लगा लगा कर तुम्हें 100 रुपए इसलिए दिए थे कि तुम अपने और दीपक के लिए 2-3 जोड़े बना लो और एक तुम हो कि ऊट पटांग खरीदना है। और वो याद नहीं जब मैंने घर का खर्च काट काट कर 27 रुपए 30 पैसे इसलिए आपको दिए थे कि आप अपने लिए एक नई कमीज बना लो और आप है कि मेरे लिए एक नई साड़ी दिया। हाँ हाँ याद है। और वो दिन याद नहीं जब मैंने कहा था ये जो गजरे हैं ना ये बहुत खुशबू वाले हैं इन्हें खरीद लो ना। ये तो फूल है जूड़े में लगते ही मुरझा जाएंगे। अगर आपकी जेब में ज्यादा ही पैसे हैं तो उन्हें जमा कीजिए और अपनी साइकिल में नई ट्यूब डलवा लीजिए। स्टेशन से घर आते आते 2 बार पंचर हो जाती है। ए, याद है ना? हाँ हाँ याद है। और वो भूल गए जब मैंने कहा था अगर सिगरेट पीकर सेहत का सत्यानाश करना है तो कम से कम फिल्टर वाला सिगरेट पिया करो जो कम नुकसान करता है। अरे बाबा फिल्टर वाला सिगरेट जरा ज्यादा महंगा है। बिना फिल्टर के पीने से जो पैसा बचता है ना उससे तुम्हारे लिए मिलन सुपारी आ जाती है। ये तो मैं 10 बार सुन चुकी हूँ इसलिए मैंने सुपारी खाना ही छोड़ दिया। और आप है कि सिगरेट नहीं छोड़ सकते? अरे सिगरेट छोड़ने से कौन सी दौलत जमा हो जाने वाली है? सिगरेट छोड़ने से जो पैसे बचेंगे उसमें आधा पौना लीटर दूध ज्यादा आ सकता है। फिर दूध से मलाई, मलाई से मक्खन, मक्खन से घी और घी से सेहत, सेहत से लोहे का काम करने वाले इंसान को फौलाद बनकर रहना चाहिए। याद है ना? याद है गीता। कभी कभी सोचता हूँ ये 2 वक्त की रोटी के चक्कर में गांव भी छोड़ा, माँ बाप से दूर यहाँ शहर में डेरा भी डाला, मगर ये गरीबी है ये पीछा नहीं छोड़ती। डैडी हाँ? ये गरीबी वरीबी छोड़ो और बताओ कि ये टोपी कैसी लगती है। टोपी? गीता ये बुशर्ट तो समझे मगर ये टोपी खरीदने की क्या जरूरत थी? सर दर्द होता है इसलिए। तो ये टोपी का एस्प्रो का पेड़ है। फैक्ट्री से थक कर आते हो फिर स्टेशन से घर तक साइकिल चलाते हो, नंगे सर धूप पड़ती है तो सर दर्द हो जाता है। अरे ये सर दर्द का ड्रामा तो सिर्फ इसलिए है कि तुम्हारे हाथों से जरा सर की मालिश हो जाती है। झूठ मत बोलो डैडी, मम्मी तो पांव दबाती है, सर की पॉलिश और जूते की मालिश तो मैं करता हूँ। क्या? नहीं नहीं नहीं, सर की मालिश और जूते की पॉलिश। बहुत मेहरबानी आपकी साहब, बहुत मेहरबानी। आप भी एक मेहरबानी कर दीजिए, फरमाइए। जरा वॉयलिन उठाइए, मम्मी से कहो के पहले गाइए। गाइए, जरा यहाँ आइए, फरमाइए, डैडी से कहो बजाइए, बजाइए, जरा यहाँ आइए, फरमाइए, मम्मी से कहो के पहले गाइए, गाइए, जरा यहाँ आइए, पहले गाइए, अच्छी जाइए। अच्छा ये बात है तो मैं जाता हूँ। जिंदगी और
अच्छी तरह से जानते हो कि इन सीढ़ियों पर तेजी से पांव रखा तो पांव फिसला, और तुम ये भी जानते हो कि यहां से फिसलकर तुम्हारे तीन साथी मर चुके हैं। मालिक अगर सीढ़ियां नहीं बदलता, हमें तो अपनी जान की चिंता होनी चाहिए। शंकर भाई, ये मालिक हमारी कोई मांग पूरी नहीं करता, इसीलिए हमने आज यूनियन के दफ्तर में फैसला किया है कि अगर इसने हमारी बोनस और तनख्वाह की मांग ना मानी तो हम स्ट्राइक कर देंगे, मोर्चा निकालेंगे और इसके घर के बाहर भूख हड़ताल करेंगे। सुन, आज रात को जब तेरी माँ सो जाए ना तो तू मेरे कमरे में आ जाना।
अरे सलाह मशविरा करेंगे ना। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आऊंगी। क्यों? मुझे डर लगता है। अरे किससे? बस मैं नहीं आऊंगी। ओहो, तो तुम आ जाना मेरे कमरे में। अरे! और वो मोटी? क्या? मेरा मतलब मोती जैसी सुंदर सुंदर गोल मटोल तुम्हारी मम्मी। वो तो दूसरे कमरे में सोती है। वेरी गुड, मगर जग जाए तो? वो मेरी माँ है, वो जागती नहीं, उसे जगाना पड़ता है। अच्छा, गधे बेच कर सोती है वो भैंस। क्या बोले? मेरा मतलब माताजी भाई माताजी। अच्छा सुनो शांता, रात को अपन मिल रहे हैं पक्का? हाँ। गुड। आप विविध भारती से फिल्म आवारा के गीत सुन रहे हैं। गधों ने तेरी माँ को बेच दिया? क्या? मेरा मतलब तेरी माँ गधे बेच के सो गई ना? गुड। कुंडी भी बंद, वेरी गुड। दरवाजा भी बंद, वेरी गुड। खिड़की भी बंद, वेरी गुड। ये रहा मैं और ये रही शांता, वेरी गुड। अब बैठ के जाओ। अरे बैठता हूँ, तू भी तो बैठ। वेरी गुड, वेरी गुड, अरे गुड। कुछ बोलो ना, क्या कर रहे हो? अरे क्या बोलूं, कैसे बोलूं? तुम आज मुझसे कुछ सलाह मशवरा करने वाले थे ना? हाँ, सुन, तू मुझसे प्यार करती है ना? बहुत। जितना तुम्हारी मम्मी तुम्हारे डैडी से करती है? मम्मी डैडी से तो खिट-खिट करती है, प्यार कहाँ करती है? अरे हाँ, वो तो है ही फटफटी। अच्छा जाने दे, ये बता, जितना तू अपनी मम्मी से प्यार करती है उतना? उससे भी ज्यादा। अच्छा तो फिर देख। ओ सॉरी, मेरे लिए? अरे तेरे लिए। ब्यूटीफुल। पहन के तो देख डार्लिंग। तेरी माँ मानती क्यों नहीं है? बस वो नहीं मानती। अरे जब लैला मजनू राजी तो क्या करेगा पाजी? जब तू अपनी माँ के साथ खड़ी होती है ना, तो यकीन नहीं आता कि इतनी खूबसूरत लड़की ऐसी बदसूरत माँ की बेटी हो सकती है। शांतिलाल। अरे शांता। मैं खूबसूरत हूँ? खूबसूरत? अरे खूबसूरती तो तेरे पांव की जूती है डार्लिंग। सचमुच बड़े सुंदर है ये सैंडल, और मजबूत भी। लगता है इसकी एड़ी दो चार साल तक नहीं घिसने वाली। अगर इस तरह इस्तेमाल करोगी तो सारी उम्र नहीं घिसने वाली। क्यों बे मेंढक क्यों? मम्मी तुम तो अंदर थी। मैं यहाँ हूँ, अंदर मेरा भूत है। क्यों बे मैं बच्चकन हूँ? क्यों बे मैं फटफटी हूँ? क्यों बे तुम दोनों तो लैला मजनू हो और मैं बाजी हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं बाजी नहीं, लैला मजनू समझे? दो दिए थे वो ले लिए। अरे बाबू, गरीब के पैसे छीनते शर्म नहीं आती? गरीब गरीब से झूठ और फरेब से रुपए ठग जाए। अरे बाबू मेरा बाप मर गया। बाबू उस दिन कह रही थी कि बाप बचपन में मर गया, माँ आज मरी, और आज कहती हो कि माँ बचपन में मर गई थी, बाप आज मरा। अरे बाबू, लोग गलती से माँ को बाप, बाप को माँ कह ही देते हैं। तुम झूठ बोलकर भीख नहीं मांगती, लोगों को ठगती हो। मगर मैं ठग नहीं। तुम ठग नहीं तो मेरे दो रुपए ला। ये दो रुपए हराम की नहीं, हलाल की कमाई है। इन्हें दूंगा मगर किसी जरूरतमंद को। अरे जा बाबू, जाकर किसी मंदिर की किवाड़ खटखटाओ और हाथ जोड़कर भगवान से कहो, भगवान किसी की माँ मर जाए और उसे तुम ये दो रुपए दो। अपनी माँ थी सो मर गई, दूसरी होती तेरी कसम बाबू ये दो रुपए को जाते देख मर जाती। गरीब तो मैं भी हूँ मगर
तुम जैसे गरीब गरीबों को बदनाम करते हैं। धिक्कार है। रात की रानी तू दिन में ही लुट गई। अरे बाबू ठीक है, रात आने दो, दो के दस ना निकाले तो मेरा नाम भी रात की रानी नहीं। हाँ खुश मुझे बुद्धि मत कर, हिम्मत है मर्दा मदद है खुदा। अच्छा बोलो चल बच्चू घर चले, मुझे सुबह फैक्ट्री जल्दी जाना है। ये तो मेरे पास लेकर नहीं है, इसको फैक्ट्री थोड़ी जाना। तुझको फैक्ट्री जाना, तू जाना, तू जा, मैं इधर रहेगा, रमेश के पास उसका पढ़ाएगा। वह भिंडी थोड़ी वो देखो, कल तो 7 दिन पूरा होते है, कल रात कोई उतरेगा। ए बाबू आज कौन मरा? कोई नहीं। तो मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही? अंधेरा। तो उस पार जाना है, बीच का अंधेरा है और अंधेरे से मैं बहुत डरती हूँ। देखो ना इतनी बड़ी हो गई फिर भी अंधेरे से डरती हूँ। हूँ क्या करता है? निकालो माल। कौन सा माल? कौन सा माल अभी बताती हूँ। ए बाबू शर्म नहीं आती एक शरीफ लड़की की इज्जत पे हाथ डालते हुए? क्या भक्ति हो? अरे बाबू जो कुछ जेब में निकालो, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी, बस्ती वाले सब इकट्ठे हो जाएंगे। शोर से मुझे नफरत जरूर है मगर शोर से मैं डरता नहीं। बाबू मैं चिल्लाऊंगी, लोग आ जाएंगे, तुम्हारी बहुत मरम्मत होगी। तो चिल्लाओ। मैं कहती हूँ निकालो माल। मैं कहता हूँ चिल्लाओ मचाओ शोर। अरे बाप रे, बुलाओ बाप दादा को। अरे तू तो ऐसे चिल्ला रहा है जैसे तेरी इज्जत पे मैंने हाथ डाला हूँ। मैं कहता हूँ चिल्लाओ मचाओ शोर। जा बाबा माफ किया। अच्छा मैं ही जाती हूँ। मैंने तुझे दोबारा इन रास्तों पे देखा तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा, समझी? समझी। तो फूट। फूटती हूँ। लोग इतने बेशरम हो गए हैं, डरते ही नहीं, और आजकल कोई भीख भी तो नहीं देता। कल से उठाओ अपना तबला सारंगी बजाओ और खाओ, समझे? दीदी सारंगी नहीं है वायलिन है। Oh,
बेटा जो भी तुमसे बन पड़े देते जाओ फटाफट। बाबू लोग, हाँ बाबू, हाँ बाबू, बाबू, ओ बाबू, चलो चलो। सत्यानाश, अरे कड़के फकीरों, हराम खोर, गाना सुनने खड़े हो गए, पैसे देते वक्त जेब फटती है। अरे नाच नाच के मेरा पैर टूट गया और गा गा के मेरा गला। तुझे तबलट से मेरा हाथ और सरंगी से मेरी उंगली। अरे चुप रहो, सिर्फ 30 पैसे मिले हैं और ये घाघरा चोली का किराया ही 2 रुपए। अब मैं क्या करूं? आए तेरा जनाजा निकले शांति ना। क्या हुआ शांति माँ? मर गई शांता। मर गई? क्या वो बीमार है? अरे नहीं, वो कल बाग शांति लाल के साथ भाग गई। ये कत लिख के रखा है। क्या लिखा है इस कत में? लिखा है मैंने शांति लाल को अपना भगवान मान लिया है, उस गधे को भगवान मान लिया है। हम दोनों शादी करके कहीं और जा बसेंगे, बाबा जी का घर है ना, कहीं और जा बसेंगे। मेरी उम्र अब 19 साल की है, मैं खुद मुक्त हूँ। हाय क्यों हुई 19 साल की? मैंने कब मना किया था कि शादी ना करो? मगर जानता की माँ, तुमने तो चाल वालों को चिल्लाकर कहा था कि मैं अपनी बेटी को कुएं में फेंक दूंगी, मगर शांतिलाल को अपना दामाद नहीं मानूंगी। गई? अरे वो तो शांता के बाप ने चिट्ठी लिखी थी नासिक से। मैं तो मानती थी, वो ही नहीं मानता था। शांता के बाप ने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी, अब अपनी बेटी की जिंदगी भी बर्बाद कर दिया है। इसको तो मकान मंगाना, उसके दर का मुर्गा मुसल्लम करना, फिर दूध पीना और फिर सो जाना। दोस्तों, इस इलाके में इस आदमी ने 7 दिन लगातार साइकिल चलाकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है और 1000 रुपए का इनाम जीता है। दोस्तों, जो आदमी इस रिकॉर्ड को तोड़ेगा 2000 रुपए का इनाम जीतेगा। दनी, माल तो असली है ना? अरे वापर के तो देख, अब तो ये रोज का धंधा हो गया। एक पुड़िया बेची और 1000 बना लिए। अगर ये अफीम और गांजे का धंधा पहले से शुरू कर लिया होता अब तक तो लखपति बन चुके होते। गुरु, एक बात तो बता दो, ये माल निकालते कहां से, कहां दबा रखा है? अगर ये सारे गुरु तुम्हें बतला दिए तो मुझे गुरु कौन कहेगा? लेकिन गुरु, इस माल में हमारा भी तो हिस्सा है, हम भी तो। मुझ पे भरोसा नहीं है? गुरु, मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलो। ए रात की रानी। बोल कब्रिस्तान के राजा। अरे आज तो आ जा। क्यों, घर में कोई मर गया है क्या? अरे घर तो घरवाली से होता है, माँ बहन से भी होता है, समझे? अरे 2 टके की छोकरी, जरा देख 100-100 की पत्ते देख। ए, आगे बढ़ा ना, पत्तों के साथ तुझे भी उड़ा दूंगी, समझो। गुरु, ये लोमड़ी जब देखो तुम्हारा कचरा करती रहती है, अब तो तुम्हें गुरु कहते हुए भी हमें शर्म आती है। हाँ गुरु, मर्दों पर तो बात बात पर हाथ चलाते हो, मगर इस लौंडिया के आगे जबान भी नहीं चलती। कैसे चलेगी? आज तू नहीं बच सकती। देख आके बड़ा तो मुंह तोड़ दूंगी। गुरु, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। छोड़ मुझे।
मान जाओ। लाला दी चांद भाई तो कमाल चोगी हुए वो अपना फिल्म का हीरो ना तारासी तारासी और उसके मालिक उछल कर फ्लाई किक मारते हैं। बोल मरो सोए तुम मरो सोए सारा बोल क्यों नहीं तुम मरो सोए। अगर तुम लोगों ने इसको हाथ भी लगाया ना तो खान भी मैदान जंग में खुद पड़ेगा और तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ देगा। पीछे जाओ हम भी पीछे हटता है जहां शुरू हो जाए। लाले दी जान हिम्मत है मर्दा मदद है खुदा पूछ पूछ पुलिस बुला के दोनों को अंदर करवा दूंगा। बदमाशो तुम क्या बोला था ना बीच में नहीं आना बीच में तुम्हारा नाम ज्यादा विलन का चमचा है क्या नाम है तुम्हारा तुम्हारा वालद का नाम क्या है में खलल होते मरुसोए तुम मरुसोए मरुसोए तुसोए मार दिया जाए के छोड़ दिया जाए बोल तेरे साथ क्या झाला क्या झाला। अरे क्या हुआ गूंगा है क्या तो फिर मैं कैसे समझूं? समझ गया मारपीट होता है किधर किधर अरे तो लॉकर चला ओए गगरा पलटन पीछे जा जरा देखते कैसे लगते हैं नीचे ऊपर ऊपर शर्म नहीं आती ओए शर्म नहीं आता उधर बस शीघ्र उठे हुए रानी है आप समझ सकते हैं कि उसका चाल चलन क्या होगा। यह नाम मेरे मां बाप ने नहीं रखा तो फिर किसने रखा कब्रिस्तान के राजा लोगों ने। कौन सा कब्रिस्तान? वो दुनिया जहां मेरी मां मुझे जन्म देकर गायब हो गई वो समाज जहां मेरा बाप बनके कोई मेरे सामने नहीं आया। तो इस दुनिया से बदला लेने के लिए तुमने अपना नाम रात की रानी रख लिया। कहा ना मैंने नहीं कब्रिस्तान के राजा ने। आज तक तुम अपना पेट कैसे पालती रही? कभी रोटी से कभी डबल रोटी। ये सब कुछ कहाँ से लाती? दुकान से। दुकानदार तो पैसे लेकर ही अनाज देता है। वो भी रोकड़े नकद। पैसे कहाँ से लाती? आ जाते। ये क्यों नहीं कहती
कि रात की रानी दिन में भीख मांगती और रात को रात की रानी बनकर काले कारनामे करती। काला कोट पहनकर काली काली गाली मत दो सरकार। आड़ा, आड़ा। ओ शंकर यारा, ओ इससे बड़ा जगह दुनिया में किधर भी नहीं हुआ। देखो सब ऊपर वाले लोग इधर मौजूद हैं। हम तो उस लड़की के वास्ते बड़ा सख्त परेशान, सोचा सब ऊपर वाला लोग इधर ही है तो इधर आके दुआ मांगेगा। ओ शंकर यारा, तेरे पास कितने रुपये हुए? दो चार रुपए होंगे। ओए, ओए, तेरे डाकखाने में कितने रुपये हुए? 300 रुपये। वो 50 रुपये देगा? क्यों? वकील के वास्ते वो यारा 100 रुपये एडवांस मांगता, तो मेरे पास तो सिर्फ 50 रुपये। 50 रुपये देना मुझको। वकील किस लिए? तुझको याद नहीं है वो कोर्ट में वो लड़की बोलता था ना, इस कब्रिस्तान में कोई मेरा बाप बनकर सामने नहीं आया, हम जाएगा। ओ देखने यार, तुझको तो मालूम ही ना, मेरा कोई शादी नहीं हुआ तो बच्चा कहाँ से पैदा होगा। अल्लाह मियां ने बना बना तैयार शुदा बेटे भेज दिया। ओए खान, अगर मैं बरी हो गई तो तेरी रकम सूद के साथ वापस कर दूंगी। ओए इदूरा, ओए इदूरा, इदूरा, ओए हम कोई सूद खोर है? ये खान सूद खोर नहीं है। खान पहले सिर्फ आदमी था, अब बाप बनने का कोशिश करते है। नहीं नहीं, शादी हुई है क्या? पहले तो बरी हो जा, पीर बताएगा। ए, ए, कब्रिस्तान के राजा, जाओ जाओ जेल में 3 साल जज की पीसो। ए, तबला सारंगी, मैं बरी हो गई, बरी हो गई, बरी हो गई। खान सरकारी वकील तो कह रहा था कि मैं बुरी हूँ, मगर जज साहब ने मुझे बरी कर दिया। ओए जिसको जो काम दिया जाता है वो वही काम करता है। बेटी बेटी, ओए ओए, हमने तुमको बोला था ना कि हम बाप बनने की कोशिश करते। बोलो बोलो, अब तुम हमारा बेटी बनेगा ना? बोलो बनेगा ना? खान बादशाह, तुम मुसलमान हैं और लोग कहते हैं मेरे माँ बाप मुझे मंदिर के सीढ़ियों पर छोड़ गए थे। वैसे आज मेरा कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं, मगर ये दोनों तबला सारंगी है ना, ये दोनों हिंदू के औलाद हैं। ओए, 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 बच्चों लोग भी तो हमारे साथ रहेगा ना? सोच लो खान। ओए बार बार सोचना तो चूहे लोग का काम है। ओए पठान आदमी एक बार सोचता है और जो सोचते है वो करते हैं। सच कह रहे हो? ओ खुदा की कसम, ओए तुम बार बार पूछेगा तो हमारा दिल को जख्म लग जाएगा। ओए ओए तू रोते, ओए पठान का बेटी वो के रोते। ना ना बच्चे, ना 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 ना। रात की रानी ने सिर्फ शैतान देखे थे, आज इंसान देख तो आंसू निकल है। ओ चल 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 चल, बाबा 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 बाबा, रोने नहीं, तू रोएगी तो हमारा भी आंसू निकल जाएगा। फिर पठान की बेटी नहीं रोती तो पठान क्यों रोने लगा? ओए अल्लाह ताला तुझको खुश रखे। ओए ए भागे जेल से? भागे मेरे दुश्मन, जज साहब ने तो मुझे बाइज्जत बामुलाजा होशियार कर दिया है। क्या? बरी कर दिया। जब मैंने पूछा कि जेल से भाग आई तो सिर्फ इतना कह दिया होता कि बरी हो गई। बरी की बुरी खबर सुनाने के लिए इतने लंबे चौड़े भाषण की क्या जरूरत थी? बरी की खबर बुरी है क्यों? अब रात की रानी दिन देखेगी ना, रात रात चलते लोगों को दुखी करेगी। जब दुखी थी दुख देती थी, अब तो सुखी हूँ, सुख बांटूंगी। लॉटरी लग गई। हाँ जानते हो लॉटरी में मुझे क्या इनाम मिला? क्या? एक बाप है? तेरी लॉटरी की टिकट महाराष्ट्र स्टेट की थी, हरियाणा की, मद्रास की, पंजाब की। कौन सा ऐसा प्रांत है जहाँ लॉटरियों में बाप मिलने लगे? भगवान स्टेट है? हाँ, भगवान ने एक अल्लाह का बंदा मेरा बाप बनाकर भेज दिया। ओए ये समझ लो कि अल्लाह ने भगवान का बंदी को हमारा बेटी बनाकर भेज दिया है। ओ शंकरा, ओ शंकरा यारा, अब ये रात की रानी नहीं है, अब ये हमारा बेटी है। बेटी बाबा, तुमने तो मेरा कोई नाम ही नहीं रखा। छोटों का नाम तबला सरंगी है, बड़ी का बाजा गाजा रख दो। ए बाबू, अपना मुंह संभाल कर बात करो, समझे? मुंह नहीं,
कहते हैं जबान संभाल कर बात करो हैं। ओफो, तू मुझे बोलना भी सिखाएगा? ओए ललिती जानो चुड़ नहीं आ रहा, उनसे इसका अच्छे से नाम रखना कोई जल्दी। अगर रात की रानी पसंद नहीं तो रात की को मारो गोली, रानी रख दो। ओए रानी बेटी, वो इसका बात में तो दम है। ओए बात में ही नहीं, नाम में भी दम है। बात ही में नहीं नाम में भी कहने की क्या जरूरत थी, सिर्फ इतना कह दिया होता कि दम है दम, समझे? बाबा ये खुद तो बहुत बोलता है, दूसरों को टोकता है। ओ बेटी ये ऐसा क्यों करता है, वो एक दिन तुझको मालूम हो जाएगा। विक्टोरिया क्या हो रही, तूने मुझे पत्थर मारा? मैंने तो डिब्बे को मारा था, बीच में गाड़ी का डिब्बा आ गया। मैं गाड़ी का डब्बा हूँ? माल गाड़ी का। खैर तो सही। विक्टोरिया भाई मेरा निशाना अच्छा नहीं है। हाँ ये पत्थर चल गया ना, हो सकता है तुम्हारी आंख फूट जाए, संभालना संभाल। Please sit down. Thank you, sir. Mr. Shankar. जी। आप ये गलत समझ बैठे थे कि इसकी आवाज जाने का कारण वो भयानक सदमा था। धीरे धीरे बोलने लगेगा और अपने आप इसकी आवाज वापस आ जाएगी। आपने इसी उम्मीद पर बहुत वक्त बर्बाद कर दिया। ऐसी बात नहीं डॉक्टर साहब, मैं अपनी हैसियत से बढ़कर इसके इलाज के चक्कर में रहा, डॉक्टर पे डॉक्टर बदलता रहा। डॉक्टर बदलना अकलमंदी नहीं, कौन सी बीमारी के लिए कौन सा डॉक्टर ठीक है ये जानना जरूरी है। खैर छोड़िए, हमने जो एक्सरे लिए थे उनसे साफ मालूम होता है कि रेल की पटरी पर गिरने से इसके गले पर जो चोट लगी उससे इसका वोकल कॉर्ड खराब हो गया है, जो ऑपरेशन से ठीक हो जाएगा। ये फिर बोलेगा ना डॉक्टर साहब? ऑफ कोर्स, ये तो मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं। गुस्ताखी माफ डॉक्टर साहब, ऑपरेशन के लिए कितने रुपयों का बंदोबस्त होना चाहिए? दवाई, ऑपरेशन फीस, कमरा, नर्सेज, सब मिलाकर यही कोई 1,500-2,000 रुपए लग जाएंगे। डॉक्टर साहब अगले महीने इसका इम्तिहान है, अगर ऑपरेशन इम्तिहान के बाद हो सकता हो तो इसका साल भी बच जाएगा, और सच बात तो यह डॉक्टर साहब तब तक मैं रुपयों का बंदोबस्त भी कर लूंगा। कोई हर्ज नहीं, लेकिन इससे ज्यादा वक्त लगाना अकलमंदी नहीं होगी। साथियों बोनस तो बोनस, यहां तो तनख्वाह भी डूबने लगी। मालिक ने आज तक हमारी कोई मांग नहीं मानी, हम उसके लिए दिन रात खून जलाकर उसका घर भरते हैं और हमारे बच्चे भूखे मरते हैं। जो मालिक मजदूर का हक मारे वो समाजवाद के रास्ते में रुकावट है, पत्थर है। यूनियन ने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया है कि कल से यहाँ काम बंद, और उसके साथ ही साथ मालिक के घर के बाहर 4 आदमी भूख हड़ताल करेंगे। करतार सिंह, रामलाल, मैं और शंकर। जब तक मालिक हमारा हक नहीं मानता हम लोग तब तक मोर्चे पे डटे रहेंगे। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, हमारे साथी जिंदाबाद, मजदूरों का हक छीनने वाला जिंदाबाद। ना ये खाना खाएंगे, ना पानी पिएंगे, कब तक? दिन तो इनका नारेबाजी में कट जाएगा, रात आने दो फिर देखना। धत तेरी की, सारी सारी रात इसी चक्कर में कट जाती है, कब नल में पानी है और कब ये मटका है, लेकिन जब देखो ये नल सूखे का सूखा। अरे इस बार तो सावन का महीना ही सूखा है, तू नल की बात करती है। मजदूर किस्मत, अगर पानी होता तो 3 महीने से हम यहाँ बेकार क्यों बैठते,
और ये मकान कब का बन चुका होता। मगर तू फिक्र ना कर, एक दो दिन में पानी जरूर बरसेगा। देखा शंकर भाई, प्यासे गए और पानी आया, इसे कहते हैं किस्मत। जॉर्ज, जब पानी बरसेगा तो उनका क्या होगा जिनके सर पे छत भी नहीं। पानी बरसे तो मुसीबत, ना बरसे तो मुसीबत। जॉर्ज, इसे हल्का सा बुखार है। और बुखार में प्यास लगती है, इसे दिन से सर में दर्द था। घबराओ नहीं, ठीक हो जाएगा। शेर है शेर मेरा यार। रामलाल, तुम्हें बुखार है, मुनासिब समझो तो अस्पताल चले जाओ। तुमने कहा था कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम मोर्चे पर डटे रहें। लेकिन तुम्हें बुखार ज्यादा है रामलाल। बुखार में भूख तो लगती ही नहीं, सिर्फ प्यास लगती है, और वो भी अपने आप बुझ जाएगी। उसे तो बुखार है, तेरे बाप को तो नहीं। उसे तो भूख लगी होगी। देख, इस स्टोव पर भी रोटी है, तू जाकर चुपचाप उसके पास रख देना, भूख लगेगी तो खा लेगा, कौन देखता है। चल बोल। आओ दीपक साहब, टोपी। हाँ, आदर्श लेके लड़े ना तो ना से भूख लगती ना प्यास। उसे तो प्यास लगी है। वो बीमार है। तुम कुछ नहीं खाओगे तो तुम भी बीमार हो जाओगे। सायदा खाने से आदमी बीमार होता है, भूख से नहीं। बात में दम है। है ना। तो ये लो रोटी और फूटो। फूटती हूँ। बेटी, आदमी उसी को डांटता है जिस पर अपना हक समझता है। बाबा, तुम्हारे बात में भी दम है। आज तो रोटी का एक ही टुकड़ा मिला है, तुम लोग खा लो और पानी पी के सो जाओ। बेटा, आज तो पानी जरूर बरसेगा और मजा आएगा। पानी रे पानी,
पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, पानी रे पानी भी है जीते, रूखी सूखी खाते हैं और ठंडा पानी पीते, इस दुनिया में जीने वाले ऐसे भी हैं जीते, रूखी सूखी खाते हैं और ठंडा पानी पीते, तेरे एक घूंट से मिलता जन्नत सारा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, भूखे की भूख प्यास जैसा, पानी रे पानी ओ पानी, पानी रे पानी, बरसे सावन, सावन आया सावन आया, सावन आया सावन आया, दिन दिन बरसे पानी आग ओढ़ कर, आग पहन कर, आग ओढ़ कर, आग पहन कर पिघली जाए जवानी, कहीं पर फिरे उम्मीदों पर तेरा रंग समझ ना आए, खिले खिले तो छत आ जाए पतझड़ का पैगाम, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, सौ साल जीने की उम्मीदों जैसा, पानी मुझे आप लोगों की शर्तें मंजूर हैं। आप लोग परसों से फैक्ट्री में अपना काम शुरू कर दें। आप लोगों की तनख्वाह भी बढ़ा दी जाएगी और बोनस भी मिलेगा। ताला, ताला ही नहीं, नीलामी का नोटिस, सील, चलो यूनियन के दफ्तर, सब वहीं गए हैं। मगर ये सब अचानक कैसे हो गया? अचानक नहीं शंकर भाई, अदालत से आदमी आए
और फैक्ट्री बंद कर गए। सरमाएदार मालिक ने मजदूर को फिर धोखा दिया। धोखा? किसने किसको धोखा दिया? मैंने आपको धोखा दिया या मुझे मेरे नसीब ने? ये फैक्ट्री पर नीलामी का इश्तहार लग चुका है, मेरी इज्जत है वो अब नीलाम हो जाएगी। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? ये फैक्ट्री माल बनाती, माल बिकता, मगर कहीं रकम डूब जाती, कहीं भाव गिर जाता। आपकी तनख्वाह और नया माल लाने के लिए मैं रुपया सूद पर लेता, उधार का रुपया, उस पर सूद और ऊपर से यह हड़ताल, इन सब बातों ने इस फैक्ट्री पर नीलामी का इश्तहार लगवा दिया। दोस्त, समाजवाद के रास्ते का पत्थर, रास्ते की दीवार मालिक नहीं बल्कि मालिक और मजदूर का बेमानी झगड़ा है। साहब, फैक्ट्री तो मजदूर का मंदिर है। दोस्त, अगर आप लोग मेरा साथ दें तो ये मंदिर नीलाम होने से बच सकता है। साहब, मजदूर भूखों मर जाएगा लेकिन अपने माथे पर यह कलंक का टीका ना लगने देगा कि उसकी फैक्ट्री नीलाम हो गई। ओ गुलदप्पा गुलदप्पा बंदे कटार दई दोलस्ता का मामू बगुल्ले अनार दई। चलो वो किधर? हमारे साथ। विलेन का चमचो, तो भाई तुम ये नहीं समझना कि हम तुम्हारा चाकू का डर से दूर आया है? तो फिर हम इस वास्ते दूर आया है कि अगर हम तुमको मारेगा तो तुम्हारा इलाका में मारेगा। शेर खान, तुम किसी शेख चिल्ली से कम नहीं हो। शेर खान, अगर खैरियत चाहते हो तो चुपचाप हमारे साथ चले चलो। ओए, हमारा खैरियत का तुमको बहुत फिक्र हो तो चलो सो इधर के दूर। इधर चलो सो। चलो खान, हमारा साथी जेल में है। वो कब्रिस्तान का राजा, 3 साल का वास्ते। हमने उसकी रिहाई के लिए बड़ी अदालत में अपील की है। ओए, बड़ा अदालत का जज तो अल्लाह मियां, ओए उस कब्रिस्तान का बादशाह को माफ नहीं करेगा। खान, अगर वो बरी ना हुआ तो जानते हो क्या होगा? ओए, क्या होगा? ओए खान, ओए गरम क्यों होता है? ओए खान, और उसे तुम्हारा क्या वास्ते? उसके पास मेरा माल दबा हुआ है खान, पूछने पर बताता नहीं, कहता है पहले मुझे जेल से छुड़ाओ फिर तुम्हारा माल तुम्हें दूंगा। माल? ओए कौन सा माल? ओए अफीम, गांजा। ओए गंजे खान, वो तो गांजे बेचते हुए। ओ डुडू खान, वो तो अफीम चीपी है खान, के पास मेरा रुपया फंसा हुआ है, मेरा धंधा बंद हो गया खान। ओए बड़ा अफसोस का बात है, बड़ा अफसोस का बात है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कल अदालत में जरूर जाएगा। शाबाश खान, हम तुम्हें भी हिस्सा देगा। हम उधर जाके बोलेगा कि जज साहब, आपने उस कब्रिस्तान का बादशाह को सिर्फ 3 साल का सजा दी है, अब मेहरबानी करके उसको जरा 13 साल का सजा दे दो, क्योंकि ये गांजा भी बेचते है और ये अफीम भी बेचते। खान बोलेगा नहीं, उठ के तुमको मारेगा। खान मारेगा? मारेगा। ओए गगरा पलटन, तुम चाकू बंद कर, वही दूर खड़ा हो जाए। नहीं तो इस बच्चे को कुएं में फेंक।
कान अगर अपनी जगह से हिला तो इस बंदर को कुएं में फेंक देना। औल खान, अदालत में अपना बयान बदलेगा कि नहीं? नहीं, 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 नहीं। लटका दो कुएं में, इसे तब तक खोते दो जब तक चीज की नहीं न डूब जाए। देर खान, अब भी मान जाओ, क्यों मौत को दावत दे रहे हो? लटका दो इसे। अदालत में बयान बदलेगा कि नहीं? नहीं। खींचो रख। अब भी मान जा खान। नहीं। चलो रस्सी। चलो रस्सी। अंकल के लिए है। शंकरा, ओए शंकरा। ना बाबा मुझे बचाते, ना उनकी जान पे बनती, मैं ही इस मुसीबत की जड़ हूं। हाँ, अब देखो ना, न मैं खान को बचाता, ना खून देता। अरे ना खून देते, ना बचाते तो बाबा मर ना जाते। अगर खान तुम्हें ना बचाता ना, तुम भी मर गई होती, लग गई होती फांसी अब तक। मरे मेरे दुश्मन। क्यों मेरा बुरा सोचती हो? तुम मेरे दुश्मन थोड़ी हो। तो फिर तुम तो बाबा के जिगर हो ना? खान इंतजार कर रहा है, खाना बनाओ खाना।
खाना बनाती हूँ। सोचता हूँ खान, दो चार दिन के लिए गांव हो। गांव गांव माजी के पास है। इसे स्कूल से छुट्टियां हैं और मुझे फैक्ट्री से। यहाँ बेकारी में रह के जो खाना है उतना तो गांव के आने जाने का किराया है। मैं यूनियन के दफ्तर से इजाजत ले आया हूँ। समझ गया, बस समझ गया। ओए, मैं भी तेरे साथ जाएगा। क्या कहा तुमने? मैं सिर्फ शंकर का बाप हूँ। ये शंकर की माँ है और ये उसकी बहन। ओए लाला जी, पिछले साल तक तो यही रिश्ता था, अभी कोई बदल गया क्या? अरे तूने ये क्यों नहीं कहा, पहले खान का बाप हूँ और ये खान की माँ। और मैं खान की बहन हूँ। भैया ये मत भूलो, मैं तुम्हें हर साल राखी भेजती हूँ और तुम मुझे हर साल 11 रुपए भेजते। ठीक है, अभी तू मुझको पहले ये बता कि तुम ससुराल से वापस कभी आए? तुम मैं तो अब यही रहती हूँ भैया। क्यों, क्या बात है? वो बात इसके पति का वहाँ काम काज नहीं है, यहाँ खेतों की रखवाली मेरा हाथ बटाता है। खेतों के मालिक को एक तनख्वाह में दो माली मिल गए, सिर्फ 2-5 रुपए ज्यादा ही दे देता है। ठीक है ठीक है लाला जी, बस समझ गया, बस समझ गया। अभी तू घर दामाद हो गया है? वो बनवारी सुना नहीं तूने हुए कि बहन के घर भाई कुत्ता और ससुर के घर दामाद कुत्ता? मुंह संभाल कर खान, अगर बूढ़े बाप का हाथ शंकर नहीं बटा सकता तो किसी को तो सोचना चाहिए। एक बात और याद रख ले खान, अगर मैं घर से अमीर नहीं तो फकीर भी नहीं। मैट्रिक पास की है खान मैंने, मैट्रिक। हाँ ठीक है ठीक है दामाद बादशाह, ठीक है। अब थोड़ा सा गुस्सा तूक दे। माँ, ऑपरेशन से दीपक की आवाज वापस आ सकती है। तो फिर करा देना ऑपरेशन। उसके लिए 150 रुपया चाहिए। फैक्ट्री में ताला है और यहाँ घर की हालत मैं जानता हूँ। खेतों की रखवाली से बापू को क्या मिलता है? तो वक्त की रोटी, फिर अब तो कमलेश और बनवारी भी आ गए हैं। देख, दीपक की माँ के जेवर है मेरे पास, वो ले जा। उन्हें बहुत पहले ले गया होता माँ, मगर यही सोच के रुक जाता कि वही बात होगी ना, कि उसके मरने के बाद उसके जेवर बेच दिए, दीपक के लिए खुद कुछ ना कर सका। जेवर बेचने से तुझे दुख होगा, लेकिन इतना सोच, जब दीपक अच्छा हो जाएगा, बोलने लगेगा, तो सबसे ज्यादा सुख बहू की आत्मा को मिलेगा, है ना? इस बार ले जाऊंगा जेवर। सुनो जी। क्या है? वो जेवर मुझे वापस कर दो। जेवर? हाँ, आज भैया माँ से कह रहे थे कि वो गीता भाभी के जेवर बेच के उन पैसों से दीपक का इलाज करवाएंगे। वो उन्हें अब बेचने की सोच रहा है जिन्हें मैं कब कब बेच चुका हूँ। आराम। ए राम राम, क्या करती है? तूने मुझे जेवर धंधे के लिए दिए थे ना, धंधा मंदा है। जिस दिन चंगा हो जाएगा जेवर वापस ले आऊंगा। मैट्रिक पास हूँ मैट्रिक। कमो बेटी, फिर से सोचो, तुम्हारे हाथ में मैंने जेवर देते हुए कहा था बेटी इन्हें संभाल के रख लो, ये दीपक की माँ की निशानी है और तुमने इसी संदूक में तो रखे थे। तो फिर ये संदूक खा गया होगा या मैं? कमलेश, हाँ क्या आगे चिल्ला के बोला करते? और नहीं तो क्या, ये खोट सब मेरी तकदीर का है। क्यों बेटा दीपू? कैसा है रे, काले रंग की मौसमी देखी तुमने कभी? देखोगे गोल गोल काली काली। बेटा आजा, चल चल। उस टोकरी में देखा बेटा, ये जहरीला सांप काटेगा बाद में, मरोगे पहले। अरे गूंगे साले, बोल तो सकता नहीं, चिल्लाएगा क्या? Thank you.
दीपक साहब खेल का मजा आ रहा है, खेल लो, खूब खेलो बेटा, ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी खेल है मेरे बेटा। ना रहे पान ना बजे बांसुरी। अरे दीपक, ये क्या हुआ तुझे? अरे क्या हुआ, क्या हुआ इसे? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो ये खून कैसे निकला? मैंने कहा ना कुछ नहीं। ये खुद गिर गया या तुमने इसे गिराया? बोलती क्यों नहीं? ये नहीं गिरा, गिरा तो कोई और है। कौन? बनवारी। हाँ मैं। बड़ा सा ये कमरा, बड़े बड़े तुम, और इसमें छोटे छोटे दो सांप। छोटा सांप ज्यादा जहरीला होता है ना। मगर मैंने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया, मैं भी कुछ नहीं करूंगा। करेंगे तो ये सांप, इन्हें मैं तुम्हारी आंखों पे छोड़ दूंगा। मगर क्यों? ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। वो तो दीपक से मैं मजाक कर रहा था। मैं मजाक नहीं करता। वो जेवर तो हमारे पास नहीं है, वो तो मेरी माँ ने बेच दी। तुम्हें वो जेवर किसने दिए थे? बनवारी ने। बनवारी तुम्हें? वो मेरी पत्नी कमली ने। वाह बेटा, खाली टोकरी लेकर हमें धमकाने चले आए कमीने, निकल जा यहाँ से। छोड़ दो मुझे, नहीं तो भैया, आखिर हुआ क्या है? अगर इसकी चल गई होती ना तो आज मर गया होता दीपक। इसने उसे सांपों के मुंह में डाल दिया। नहीं, नहीं। इसलिए कि इससे कोई जेवर ना मांग सके। जेवर? कौन सा जेवर? वो जेवर जो मैंने माँ को दिए, माँ ने तुम्हें और तुमने इसे। और इस वासना के मारे हुए ने एक देवी के गहने एक वैश्या के गले में डाल दिए। नहीं, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। मगर ऐसा हुआ है, और इसकी जड़ तुम वही हो ना जिसने कहा था माँ तुमने मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया है, तुमने मुझे गहने दिए ही नहीं, वही हो ना। इसके ब्याह के लिए मैं अपना पेट काटता रहा, दीपक को रूखी सूखी खिलाता रहा, वही हो ना जिसकी डोली विदा करके मैं कई दिन रोता रहा। हाँ वही हो जिसने अपनी माँ को धोखा दिया, अपनी भाभी की अमानत से छल किया, नहीं, नहीं। अपने भाई के विश्वास का गला घोट दिया सिर्फ इस बदचलन बनवारी के लिए। बनवारी अगर मुझसे सच सच बोल देते ना तो मैं तुमसे हाथ जोड़ के कहता, बनवारी बर्बादी के रास्ते से लौट आओ, अपने साथ साथ मेरी बहन की जिंदगी तबाह ना करो, इसके बदले में मैं मेहनत मजदूरी करके तुम्हें सारी जिंदगी खुश रखता। दीपक के लिए मैं कहीं से भीख मांग कर रुपया ले आता, उसका इलाज हो जाता, मगर भूल के भी कभी तुमसे जेवर ना मांगता। हाँ मैं इस लाइफ में ही तुमसे माफी भी मांग सकूं। भैया अगर मेरे नसीब में ऐसा ही पति लिखा था तो भगवान ने मुझे तुम जैसे भाई की बहन क्यों बनाया? भैया ओ बच्चे लोग, क्यों लस्तो है, भूल जाओ जो कुछ किया है।
अल्लाह मियां जो कुछ करते हैं बेहतरी के वास्ते करते हुए। हाँ मैं समझ गया, मैं समझ गया। वो इसने जो कुछ किया है अपना खाविंद के वास्ते किया है, और इस दाऊद ने जो कुछ किया है इसका बुरा आदत के वास्ते किया है। और सुना बनवारी लाल, अगर तुम दोनों का बहन का खाविंद नहीं होता ना तो मैं तेरा हड्डी पसडी तोड़ देता, तेरा टुकड़ा टुकड़ा कर देता। अब आखिरी मरतबा समझ ले, अगर तू अपने बाप का असली पुत्र है ना तो जिंदगी में नेक आदमी बन कर देगा। जाकर तेल मालिश करा। ओ बहन, घर में इस बात का किसी को खबर मत करना, माँ जी को भी नहीं और लाला जी को भी नहीं, उनको तकलीफ होगा। और चलो सो शंकर, चलो सो, शाबाश शाबाश, हौसला करो। मुकाफात या मन गाफिल मशूई कन तुम बस कन तुम बरा शो शो। सुना? जिसे सुनाना हो उसे सुनाओ। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरा नाम रानी है। रानी, मैंने तुम्हें हमेशा बुरा भला कहा, आज फिर कहोगे ना? आज माफी मांगता हूँ। अगर तुम ना होती ना तो मेरी जिंदगी में अंधेरा छा गया होता। मैं तुम्हारी जीवन की रोशनी। रोशनी तो दीपक से है। अगर हाँ, अगर आज तुम ना होती तो दीपक ना होता। हा? बेटा, क्यों संसार से मुंह नहीं मोड़ा करते? अभी तेरी उम्र ही क्या है? अगर तू शादी कर ले तो दीपक को एक माँ मिल जाए। माँ का प्यार देने की ख्वाहिश में ऐसा ना हो कि दीपक बाप के प्यार से भी हाथ धो बैठे। तकदीर कदम कदम पर नहीं लूटती, धोखा तो दे सकती है। माँ बाप की तपस्या और पूजा का फल निराशा ही नहीं। देखा ना, आज दीपक सांपों में घिर गया, वो कुछ बोल ना सका। यह तो अच्छा हुआ रानी ने उसे आकर बचा लिया। दीपक की देखभाल के लिए उसे एक माँ की जरूरत है। दीपक की आवाज सुनने के अलावा मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं। वो बोलने लगे, उसकी आवाज वापस आ जाए तो वही करूंगा जो तुम कहोगी। ओ शंकरा, ठीक बात बोलते हैं माँ जी, बहुत अकुल के बात बोलते हैं आज। बोल तुम। बेटी, शंकरा ने माँ जी से वादा किया, आज खान भी अपने बेटी से वादा करते हैं आज कि जब माँ जी उसे शादी का हुक्म देगा ना तो साथ में ये भी बात बोलेगा, शंकरा तेरा शादी सिर्फ रानी बोल शेर खान से होगा। मैं माँ जी के पास बोल के आया, वो तो खुश है ना। गगन पे दो तारे
अभी तक ताला लगा हुआ है। यूनियन का दफ्तर भी गया था खान। हालात वैसे के वैसे ही हैं। कुछ समझ में नहीं आता खान। और क्या समझ में नहीं आता ओए? मेरे घर में अगर चूल्हा ना भी जला तो मैं तेरे यहाँ रोटी खा लूंगा, मगर दीपक का ऑपरेशन। तो दीपक का ऑपरेशन जरूर होगा, जरूर होगा। ये ले, ये ले, ये ले रुपया। ये रुपया कहाँ से आया? बैंक। खान, अगर तुम्हारे पास बैंक में रुपया होता ना तो रानी का मुकदमा लड़ने के लिए तुम दूसरी चाल वाले कमरे ना बेचते। ओए, रानी का मुकदमा लड़ने के वास्ते मैं दूसरा चाल का कमरा बेच सकता है, और दीपू का ऑपरेशन करने के वास्ते मैं इस चाल का कमरा नहीं बेच सकता है। खान। ओए, देखो शंकरा, अगर मुझको मालूम होता ना कि तू गाँव जा रहा है गीता भाभी का जेवर लाने के वास्ते, तो मैं तुझको गाँव नहीं जाने देता। उसी वक्त इस चाल का कमरा बेच कर तुझको रुपया दे देता। मैं ये रुपया नहीं लूंगा खान। दीपक का ऑपरेशन का कोई फिक्र नहीं है, मेरा जान बचाने के वास्ते तू मुझको अपना खून देता है, और उस बच्चे का ऑपरेशन के वास्ते एक कागज का टुकड़ा नहीं लेता मेरे से। तो गीता भाभी उसको समझा कि अगर ये मुझको प्यार करता है, मुझको अपना भाई समझता है, तो ये रुपया उठाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा, अस्पताल जाएगा, उसको रुपया देगा। मिस्टर शंकर, अगर आप कुछ दिन और ना आते तो दीपक के ठीक होने का मौका हाथ से खो बैठते। मैंने तो आपसे उसी वक्त कहा था कि ऑपरेशन फौरन हो जाना चाहिए। यूं ही बंदोबस्त में उलझा रहा डॉक्टर साहब। खैर, कोई बात नहीं। 9, 10, 11 आप ऐसा कीजिए, दीपक को 12 तारीख को यहाँ ले आइए, ऑपरेशन हो जाएगा। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन की फीस? ऑपरेशन के बाद, ये मेरा उसूल है। निकालो जेब में जो कुछ है। मेरे पास कुछ नहीं। हाथ ऊपर करो। निकाल। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अपनी बेटी बीमार है, सुषमा को कैंसर है ना, कैंसर। वो अस्पताल में बेहोश पड़ी है। हमारे पास इलाज के लिए तो क्या, खाने के लिए भी कुछ नहीं। भगवान हमारी प्रार्थना जरूर सुनेगा। कौन सा भगवान? अरे वो क्या सुनेगा, भगवान तो बहरा है, बहरा।
माँ की माँ, ये वहम है कि इंसान भगवान की औलाद है। इंसान का बाप तो उसका अपना बनाया हुआ रुपया है। रुपया ये है वो रुपया। ये थोड़ी देर पहले ये किसी और का बाप था, अब ये मेरा बाप है। मेरा बाप, इससे मेरी बेटी का इलाज होगा। ये लो ले जाओ मेरे बाप को, और उस डॉक्टर के मुंह के ऊपर मारो जो कहता है रुपया नहीं तो इलाज नहीं हो सकता। वाह रे डॉक्टर वाह। जा मेरे बाप, अब तू उस डॉक्टर का बाप बन जा, उस डॉक्टर का बाप बन जा। देकर छीनता है, छीनकर देता नहीं, नहीं देता। इसने मुझसे गीता को छीन लिया, दीपक की आवाज छीन ली। अगर ऑपरेशन से आवाज वापस आ सकती है ना, तो इसने फैक्ट्री में ताला लगवा दिया। गीता के जेवर उड़ाने के लिए बनवारी भेज दिया। तुमने रुपया दिया तो बदकिस्मती को उस बूढ़े के भेष में भेज दिया। खान, बड़े इम्तहान लेता है ये। इंसान को मोम की तरह पिघलते हुए जज्बात देकर ऐसी आग में झोंक देता है जो जब जलाती है तो धुआं नहीं उठता, और जब धुआं उठता है तो जलाती नहीं, सिर्फ सुलगाती है। हाँ, कोई बात नहीं खान, कोई बात नहीं, मैं भी लड़ूंगा। जब तक जिंदा हूं लड़ता रहूंगा, मरता रहूंगा। ओ यारा शंकरा, जो तू बात बोलते ना वो भी ठीक है, और मैं जो बात बोलते है ना वो भी ठीक है। एक और ठीक बात बोलूं? हाँ। तुझे रुपया चाहिए ना, मिल सकता है। कैसे? वो रमेश कुमार याद है कि नहीं? कौन? वो साइकिल वाला, वो चैंपियन। उसे 7 दिन 7 रात साइकिल चलाया था, उसको 1,000 रुपए मिल गया था। और बस्ती वाला ने ऐलान किया था कि जो 8 दिन 8 रात साइकिल चलाएगा तो उसको 2,000 रुपए ना मिल जाएगा। चलाएगा साइकिल? साइकिल 2,000 रुपया? हाँ खान, मैं चलाऊंगा साइकिल। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। शाम
जो जीवन से हार मानता उसकी हो गई छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई कुट्टी। ओए जो जीवन से हार मानता उसका हो गया छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरा मेरा हो गया कुट्टी। रूठा यार मना मित्रा, यार को यार बना मित्रा, न खुद से रहो खफा मित्रा, खुद ही से बने खुदा मित्रा। जीवन चलने का नाम चलते रहो सुख हो शाम, जीवन चलने का नाम चलते रहो सुख हो शाम। उजली उजली भोर सुनाती तुतले तुतले बोल, उजली उजली भोर सुनाती तुतले तुतले बोल, अंधकार में सूरज बैठा अपनी गठड़ी खोल। समय से हाथ मिला मित्रा, किरण किरण मित्रा, चलता रहे चरण मित्रा। जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम, जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम। अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान, हिम्मत अल्लाह हिम्मत बहादुर हिम्मत है भगवान। हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान, हिम्मत अल्लाह हिम्मत बहादुर हिम्मत है भगवान। इस पे मरता जा मित्रा, करता जा मित्रा, किसी से झुकाता चल मित्रा, के जग पर चाहता जा मित्रा। जीवन चलने का नाम चलते रहो सुख हो शाम, जीवन चलने का नाम चलते रहो सुख हो शाम। जीवन चलने का नाम चलते रहो सुख हो शाम।
दिन रात की थकावट और कड़कती धूप की वजह से मामूली सा हैमरेज हो गया है। रात को शायद कम खून बहे, लेकिन दिन के बारे में कुछ नहीं कह सकते। पर डॉक्टर साहब, अब रात को ही दूरी रहना। अच्छी बात है, आप ये ग्लूकोज इसे पिला दीजिए। बस 3 घंटे का बात हो रहे। आप लोग ये तमाशा रोक दीजिए, वरना ये आदमी मर जाएगा। डैडी, अगर मेरी किस्मत में बोलना होगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। आप साइकिल से उतर जाइए। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा मुझे, कुछ नहीं होगा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। के रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएगा मित्रा। बोलिए शंकर। ओए हम तो लू का पट। मैं डॉक्टर से मिल के आता हूं, तो
तुम इसका सारा सामान तैयार कर दो, इसे कल हॉस्पिटल जाना है, है? अब दो चार दिन में दीपक बोलने लगेगा, है ना? दीपक, तेरी दादी माँ कह रही थी जब तू बोलने लगेगा तेरे लिए नई माँ आएगी, मालूम है ना? कौन होगी तेरी नई माँ? मैं? सच? कल बच्चू जी का ऑपरेशन होगा, फिर बोलेगा दुनिया स्वर्ग हो जाएगी, मेरे जीवन का सपना पूरा हो जाएगा, है ना? अच्छा ये बता, जब तू बोलने लगेगा तो सबसे पहले क्या सुनाएगा, किसका नाम लेगा? मेरा? हाँ मैं बताऊँ, तू सबसे पहले मुझे वही गीत सुनाना, वो जो तेरी मांग आया करती थी, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है, तुझे याद नहीं? डप्पू मैं सुनाता हूँ, लिखकर याद करना है? जिंदगी कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है, तू धार जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं thank you.
हे भगवान, हे अल्लाह मियां, हे सच्चा पाशा, यीशु मसीह साहब, ये प्रार्थना उस बच्चे का है, ये खत उस बच्चे का है जिसको आप लोगों पर बहुत भरोसा है। वो लिखते हैं, अगर मेरा आवाज तुझको वापस नहीं मिला तो मेरा बाप के दिल पर क्या गुजरेगा, मेरे डैडी का दिल टूट जाएगा। वो लिखता है कि अगर मेरा आवाज मुझको वापस नहीं मिला तो मेरा दादा दादी गम से मर जाएगा। वो लिखता है कि अगर मेरा आवाज मुझको वापस नहीं मिला तो मेरे खान अंकुल का क्या होगा, और खान अंकुल का क्या होगा, खान अंकुल अपना जबान काट लेगा और क्या होगा। ऊपर वाला, तुम्हारा खजाना में सब कुछ है, तुम्हारा भंडार में कोई कमी नहीं है, तेरा सवाल दे दो नन्हे मासूम बच्चे को, आपका बड़ा मेहरबानी होगा, मैं आपसे दुआ मांगता हूं। ऑपरेशन हो गया? यस ऑपरेशन कामयाब है, जो खराबी थी वो ठीक हो गई। वो बोलता है ना, होश में आने पर पता चलेगा। होश में कब आएगा? जल्दी ही आ जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब, काफी देर हो चुकी है, ये अभी तक होश में नहीं आया। मिस्टर शंकर, ऑपरेशन के बाद तो बड़ी उम्र के लोगों को भी देर लगती है होश में आने के लिए, ये तो बच्चा ही है। हाँ। और हाँ, आपके साथियों की बाहर भीड़ जमा है, इस वक्त रात के 11 बज चुके हैं, आप उनसे कहिए कि अपने अपने घर जाएं। जी। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर शंकर, मैंने दीपक की आवाज सुनी है। माँ, माँ सुना तुमने? डॉक्टर साहब कहते हैं दीपक बोलने लगा है। डॉक्टर क्या, मैंने अपने कान से सुना है। मिस्टर शंकर, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं, लेकिन आप लोगों को इजाजत नहीं दूंगा कि मेरे मरीज के सामने आप शोर मचाएं। जैसे जैसे उसको होश आएगा वैसे वैसे उसका दर्द बढ़ेगा, दीपक को आराम की जरूरत है, इसलिए बेहतरी इसी में है कि आप लोग भी आराम करें और दीपक को भी आराम करने दें। पर मैंने, डॉक्टर साहब, मैंने तो उसकी आवाज सुनी नहीं। अब सारी जिंदगी आप उसकी आवाज सुनेंगे,
प्लीज माँ, माँ आ, डॉक्टर साहब ठीक कहते हैं, इसे इसे आराम करने दो। हाँ, आराम करने दो इसे। हेलो मिस्टर शंकर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सलाम खान साहब। दीपक कैसा है? दीपक आप लोगों के जाने के बाद जरा दर्द से बेचैन था, अभी अभी सोया है। डॉक्टर साहब हम लोग अंदर जा सकते हैं ना? आप उसके पिता हैं, भला आपको कौन रोक सकता है। मिस्टर शंकर जी, मैं सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि एक हमदर्द बुजुर्ग की हैसियत से इतनी सलाह जरूर दूंगा कि कम से कम आज आप लोग उसके सामने न जाएं। क्यों? दीपक अगर बेहोश नहीं तो होश में भी नहीं, आंख खोलता है सो जाता है, लेकिन दीपक को अच्छी तरह मालूम है कि आपका सपना उसकी आवाज सुनना है। आंख खुलते ही अगर वो आप लोगों को देखेगा तो जरूर बोलेगा और हो सकता है कि चिल्ला भी दे। जख्म ताजा है, कुछ भी खराबी पैदा हो सकती है। अगर ऐसी बात है डॉक्टर साहब तो हम में से कोई उसके सामने नहीं जाएगा, तब तक नहीं जाएगा जब तक उसका जख्म बिल्कुल ठीक ना हो जाए। डॉक्टर साहब मैं उससे मिले बगैर ही रह लूंगा। गुड गुड, जहां साल डेढ़ साल इंतजार किया वहां एक दिन और सही। डॉक्टर साहब यस, आपने आपने उसकी आवाज दोबारा सुनी? वो बोलता है ना? वो बोला था, वो बोलेगा और हमेशा बोलता रहेगा। थैंक यू सर, बाय। शंकर भाई बहुत बहुत मुबारक, करतार सिंह ने बताया कि अपना दीपक बोलने लगा है। गॉड इज ग्रेट। अच्छा एक खुशखबरी हमने सुनी, दूसरी तुम सुनो। सुना? हमने फैक्ट्री के मालिक का पूरा पूरा साथ दिया, फैक्ट्री को नीलाम होने से बचा लिया और आज से काम शुरू हो गया। ओए लाले दी जान, जब वो देता है ना तो फैक्ट्री पाल के देता है। यार शंकर मैं ये फूल दीपक को दे सकता हूँ? आज तो उससे मैं भी नहीं मिल सकता। ठीक ठाक तो है ना? बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो फिर चलो फैक्ट्री हमारे साथ। हाँ खान ये बात ठीक है, मैं फैक्ट्री चला जाता हूँ। करतार सिंह यार यहाँ ये सोच के आया था कि फैक्ट्री में वक्त कट जाएगा और यहाँ आके ये सोचता हूँ कि कब छुट्टी की घंटी बजे और कब तुम अस्पताल जाओ, यही ना? यार दीपक के पास नहीं रहूंगा, कम से कम उसके दरवाजे के बाहर बैठूंगा, तसल्ली तो रहेगी। बज गई घंटी। डैडी, नर्स लेट जाओ। मैं बोल सकता हूँ। माँ जी उसको नजर लग गया, इस दुनिया का नजर बहुत बुरा है, माँ जी उसको नजर लग गया है। डॉक्टर साहब होश में आएगी नहीं? नहीं डॉक्टर साहब, मेरा बेटा बच जाएगा ना। भगवान पर भरोसा रखिए माँ जी। खान साहब खून बहुत बह चुका है, हमारे इमरजेंसी स्टॉक में जितना खून था वो दिया जा चुका है, पेशेंट को और खून की जरूरत है। आप अपने कुछ आदमी मेरे साथ भेजिए ताकि उनका ब्लड टेस्ट लिया जाए। टेस्ट उसका कोई जरूरत नहीं डॉक्टर साहब, उसका कोई जरूरत नहीं, उसका खून मेरा खून एक ही है, आपको याद नहीं उसी ने तो मेरा जान बचाया था अपना खून देकर। तो आप मेरे साथ आइए। ब्लड प्रेशर कम होता जा रहा है, हार्ट बीट कमजोर हो गई है, हालत गिरती जा रही है, नो इंप्रूवमेंट। अंकल आप क्यों रो रहे हैं? वो तेरा आवाज सुन के सब खुशी से रोते हुए। डैडी कहाँ है? वो फैक्ट्री वाला उसको जबरदस्ती ले गया,
बड़ा अदालत है, बड़ा मुकदमा है। इस वक्त वो दिल्ली गए, बड़ा मजबूरी था। वो तू फिक्र नहीं करो, है वो दो दिन में आ जाएगा। खान अंकल, उनको पता है कि मैं बोल सकता हूँ? वो बहुत खुश है ना? वो खुशी से इतना पागल है कि उसको अपना होश ही नहीं है। हाँ, अगर होश होता तो मेरी आवाज सुने बिना कहीं नहीं जाते। ठीक है। और दादा दादी? वो लोग भी दूर ही था, वो बूढ़े लोग हैं ना, तो थक गया था। तो मैंने कहा जाओ घर जाके आराम करो, वो लोग कल सुबह आएगा। अब तो मैं भी अब चलता है, कल सुबह आएगा। बोल तेरे वास्ते क्या लाएगा? चॉकलेट लाएगा? हाँ। और बोल क्या लाएगा? टेडी। इंशाल्लाह। खान साहब, खतरे की घड़ी टल गई, शंकर बच गया है। ओए मित्रा, तेरे लाख लाख शुक्र। लाला जी, मैं दीपक को बोल के आता हूं। अभी दीपक को कुछ न बताइए। कैसी तबीयत है शंकर? दीपक कैसा है? दीपक ठीक है। आप बोलते क्यों नहीं डॉक्टर साहब? दीपक कैसा है? कहा तो दीपक ठीक है। आप सिर्फ होंठ हिला रहे हैं। आप बोलते क्यों नहीं? हाँ, बोलते क्यों नहीं आप? शीशा गिरा, गिर कर टूट गया, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, मुझे आवाज तक नहीं आई, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। खोल दो ये पट्टियां। डॉक्टर, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। ओ नो। शंकर बेटी, ये आवाज सुनाई देती है बेटी? सुन बेटी मेरी आवाज। बाबू, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। अब मेरा बात सुनो शंकर। नहीं, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। दिमाग पर गहरी चोट लगने के कारण ये सुनने की शक्ति खो बैठा है। ये कुछ सुनाई नहीं देता डॉक्टर, मैं बहरा हो गया हूं। खान अंकल तो कह रहे थे कि डैडी मुकदमा जीत गए हैं, फिर अभी तक क्यों नहीं आए? बस एक दो दिन में आ जाएंगे। दो दिन करते तो 8 दिन गुजर गए हैं। डैडी के बिना मुझे नींद भी नहीं आती, और आती है तो डरावने ख्वाब आते हैं। डैडी तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। डैडी ने कहा था जब तू बोलने लगेगा तो सबसे पहले मुझे गीत सुनाना। इतने दिनों में तो मैं क्या कुछ बोल गया, और डैडी ने कुछ भी नहीं सुना। कौन सा गीत सुनाने के लिए कहा था? वही जो पहले मेरी माँ गाया करती थी, फिर डैडी गाते हैं,
और तुम भी, और मुझे भी गाना है। मुझे सुना? नहीं, जब मैं डैडी को सुनाऊंगा तब सुन लेना, वो गीत मुझे पूरा याद है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ठीक तो है। चलो अच्छा है, मैं चिल्लाया करता था कि दुनिया में बड़ा शोर है, दुनिया बहुत चिल्लाती है, खान अब मुझे कोई शोर सुनाई नहीं देगा, मैं कुछ नहीं सुन सकूंगा। दीपक, दीपक की आवाज भी नहीं सुन सकूंगा, कभी नहीं सुन सकूंगा। इसलिए, इसलिए कि मैं बहरा हो गया हूं, खान मैं बहरा हो गया हूं, मैं बहरा हो गया हूं खान। मैं मर चला था, तेरे लिए बच गया। हाँ, तू बोलता है ना, तो बोल। हे गाओ ना, तुम गाओगे। कौनसी लाइन गाई तूने? तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा, तू मेरा सहारा है, पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो